हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज अपने पास सैमसंग गैलेक्सी F55 5G स्मार्टफोन, और आज हम आपको बताएंगे कि आप लोग सैमसंग गैलेक्सी F55 5G स्मार्टफोन के जो कैमरा सेटिंग्स हैं उन्हें आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो एंड आपको कौन सी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू कर दें। तो आपको यहाँ पर कैमरा सेटिंग ठीक करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर अपने फ़ोन के कैमरा एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपने फ़ोन के कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे सिंपली से क्या करना है, अब आपको सिंपली कैमरा एप्लीकेशन आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे, एंड नीचे भी एंड ऊपर भी। तो आपको सिंपली से क्या करना है, नीचे एंड ऊपर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहीं आपको साइड में कॉर्नर में थ्री डॉट देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो कैमरा सेटिंग का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना साइड में कॉर्नर में, सिंपली आपको सेटिंग में जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपली आपको सेटिंग के आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग के आइकन पे क्लिक कर दोगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके अपने फ़ोन के कैमरा सेटिंग की तरफ। आपके फ़ोन की जितनी भी कैमरा सेटिंग्स हैं वो सारी कैमरा सेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग मिलेंगी। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाना है, जिससे यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग यहाँ पे आ रही हैं। तो आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चले जाना है। जैसे आप सबसे नीचे डाउनलोड करने थोड़ी स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले जाओगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है, रीस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग या फिर रीसेट सेटिंग, आपको सबसे नीचे देखने के लिए मिल जाती है। तो आपके में अगर ये रीस्टोर आ रही है तो ठीक है, नहीं तो रीसेट करके आ रही होगी। तो सिंपली इस सेटिंग पे क्लिक करना है एंड कैंसिल एंड ओके करने के लिए बोलेगा। तो सिंपली से क्या करना है, इस सेटिंग को आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपके फ़ोन की कैमरा सेटिंग बिल्कुल एकदम से रिप्रेस हो जाएंगी, बिल्कुल नए की तरह वर्क करेंगी। तो आप सिंपली एक सेटिंग को करके आप अपने फ़ोन की कैमरा सेटिंग को ठीक कर सकते हो।